कालीदा दर्शन करके हम लोगों ने यमुना के किनारे किनारे जाकर श्री वृंदावन के घने वन में प्रवेश किया। वन की स्वाभाविक शोभा देखकर बड़ा आनंद आया। छोटे बड़े सभी पेड़ों को अन्य स्थानों के पेड़ पौधे से अलग प्रकार का देखा। ऊंचे ऊंचे प्राचीन एवं विशाल सभी वृक्ष सर्वत्र ही सिर झुकाए हुए हैं। उनकी शाखा प्रशाखा चारों ओर फैलकर क्रमशः भूमि से लग गई है। देखकर लगता है मानो श्री धाम की रज को स्पर्श करने के मनोभाव से सब वृक्ष शाखा रूपी बाहु फैलाकर उसे पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्राचीन वृक्षों की सब शाखाएं प्रशाखाएं जो भूमि से लगी हुई है, वे भी मानो रज के स्पर्श से कामना पूर्ण हो जाने पर स्थिर समाधि लगा रखे हैं। वृक्षों की इस प्रकार अद्भुत शोभा इस जीवन में मैंने और कहीं देखी नहीं। श्री वृंदावन के छोटे बड़े सभी वृक्ष लताओं की शाखाएं प्रशाखाएं यहां तक कि पत्ते आदि भी नीचे झुके हुए हैं। वृक्षों की ऐसी अपूर्व सृष्टि और सौंदर्य इस स्थान पर ही देखा। जगह जगह इन झाड़ियों के भीतर में अच्छी अच्छी परित्यक्त भजन कुटिया रिक्त अवस्था में पड़ी हुई दिखी। ठाकुर ने कहा, एक समय इन सब भजन कुटियों में कितने ही वैष्णव महात्माओं ने साधन भजन किया है। ओह, ये सब स्थान अब चोर डकैतों का अड्डा हो गया है। ऐसी अच्छी अच्छी भजन कुटिया सूनी पड़ी है, देखकर बड़ा दुख हुआ। ठाकुर से पूछा, इन कुटियों में आजकल कोई साधन भजन नहीं कर सकता? वैष्णव साधु लोग यहां क्यों नहीं रहते? ठाकुर ने कहा, रहेंगे कैसे? इन स्थानों पर रहने के लिए कंगाल होकर रहना पड़ता है। मिट्टी का एक करवा और फटी कथरी लेकर ही सुरक्षित रहा जा सकता है। अन्यथा थोड़ा कुछ भी रहने से चोर डाकू के अत्याचार से बचाव कठिन है। हम लोग ठाकुर के पीछे पीछे वन के भीतर से होकर चले गए। दोनों ओर बहुत से मोर मोरनी जगह जगह पर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद से पंख फैलाकर नाच रहे हैं। मैं देखने लगा। हम लोगों से 7-8 फीट दूर रहकर भी उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता है। भागने का प्रयास नहीं है, स्फूर्ति का भी विराम नहीं। देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वन के हिरण भी मनुष्य को मानो मनुष्य नहीं समझते। वे निर्भीक होकर स्वेच्छानुसार निसंकोच मनुष्य के शरीर से स्पर्श करते हुए चलते फिरते हैं। भगवान के राज्य में यह अपूर्व दृश्य न देखने से कभी विश्वास नहीं करता। ठाकुर से पूछा, वन के हिरण मोर ये लोग इतने निर्भीक क्यों हैं? ठाकुर ने कहा, श्री वृंदावन में हिंसा नहीं है, इसलिए इस स्थान के जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य के पास भी इतने निर्भय हैं। हम लोग श्री वृंदावन के घने वन में पशु पक्षी वृक्ष लता के ये सब भाव और असाधारण अवस्था देखकर संध्या के बाद कुंज में लौटे। श्री वृंदावन के इन स्थानों पर पहुंचने के बाद फिर लोकालय में लौटने की इच्छा नहीं होती। लगता है जीवन भर इन सब स्थानों में रहने से भी इसकी नित्य नवीनता कम नहीं होती। 22 जुलाई दिन मंगलवार। भोजन करके हरिवंश पाठ करने के बाद ठाकुर से पूछा, जाति से जो लोग ब्राह्मण हैं उन लोगों का क्या कोई बड़ा सत्कर्म था? ठाकुर ने बोला, अवश्य था, कुछ विशेषता थी ही। मैंने पूछा, यदि पुनः संसार में आना पड़ता है तो किस प्रकार चलने से वर्तमान अवस्था से और नीचे नहीं गिरेंगे? ब्राह्मण लोग किस प्रकार चलने से अगले जन्म में भी ब्राह्मण ही होते हैं? ठाकुर ने बोला, ब्रह्मचर्य ग्रहण करके ठीक उसी प्रकार चलो। ब्रह्मचर्य का ठीक नियमानुसार पालन करके चल पाने से फिर कभी निम्न अवस्था में जाना नहीं पड़ेगा। संध्या, गायत्री, नित्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करते रहने से ब्राह्मण अगले जन्म में भी ब्राह्मण होता है। मैंने बोला, हम लोगों की यह साधना जिन्होंने प्राप्त की है उन लोगों को भी क्या पुनः जन्म लेना होगा? यह प्रश्न सुनकर माता ठकुरानी ने प्रसंगवश कहा, श्यामाकांत पंडित जी ने एक दिन देखा था साधन प्राप्त सब लोगों को 3 श्रेणी में रखा गया है। पंडित जी प्रथम श्रेणी में है,
द्वितीय श्रेणी में अधिक लोग नहीं हैं, तृतीय श्रेणी में बहुत सारे लोग हैं। जो प्रथम श्रेणी में हैं उन्हें अब संसार में पुनः नहीं आना पड़ेगा या उनका अंतिम जन्म है। द्वितीय श्रेणी के लोगों को और एक बार आना होगा, लेकिन जो लोग तृतीय श्रेणी में हैं उनको और भी दो बार आना पड़ सकता है। मैंने बोला, अच्छा, जो लोग सद्गुरु प्राप्त करके देह त्याग कर पुनः जब जन्म लेंगे तब वे लोग क्या फिर सद्गुरु की कृपा प्राप्त करेंगे? ठाकुर ने बोला, उसमें कोई संशय नहीं, वे अवश्य ही सद्गुरु की कृपा प्राप्त करेंगे। मैंने बोला, सद्गुरु कृपा यदि प्राप्त होती है तो पुनः संसार में आने में क्या आपत्ति है, कठिनाई भी क्या है? ठाकुर ने जवाब दिया, बाबा, संसार की माया में बड़ी आशंका है, संसार में बड़ी ज्वाला है। मैं बोला, सद्गुरु का आश्रय प्राप्त होने से एक जन्म में ही क्या मुक्त हुआ जा सकता है? ठाकुर ने उत्तर दिया, बिना संदेह के गुरु के आदेश का पालन करने से और गुरु के प्रति निष्ठा उत्पन्न होने से एक जन्म में ही मुक्ति हो जाती है। मैंने पूछा, गुरु आदेश का पालन तो प्रयास करने से बहुत कुछ हो सकता है, परंतु निसंदेह होना तो प्रयास के ऊपर निर्भर नहीं है। मन में अपने आप जो संशय आता है उसे किस प्रकार रोकूंगा? ठाकुर ने बोला, गुरु जो करने के लिए कहते हैं वही करने से हो गया। संदेह होता है, होने दो, काम ठीक प्रकार कर लेने से ही सब होगा। मैंने पूछा, जो लोग इस बार साधन पाए हैं, यत्न पूर्वक साधना करने से वे लोग क्या फिर संसार में नहीं आएंगे? इस एक जन्म में ही उनका सब हो जाएगा? ठाकुर ने बोला, तीन जन्म के पहले मुक्ति प्राप्त करना अधिकतर देखा नहीं जाता, तीन जन्म प्रायः लगते हैं। मैंने बोला, तब तो हम सभी को तीन जन्म लेना होगा। ठाकुर ने उत्तर दिया, लेना होगा और नहीं भी होगा। मैं बोला, जो लोग इस बार सद्गुरु कृपा प्राप्त किए हैं पहले ही भी क्या उन्हें सद्गुरु का आश्रय मिला था? ठाकुर ने जवाब दिया, किसी किसी को पहले भी सद्गुरु का आश्रय मिला था, फिर अनेक लोगों को इस बार ही मिला है। मैं बोला, मुझे क्या पहले भी सद्गुरु का आश्रय मिला था? ठाकुर ने मस्तक हिलाते हुए संकेत द्वारा मेरे इस प्रश्न का उत्तर दिया। मैंने फिर पूछा, सद्गुरु आश्रय लेने पर जिन लोगों की तीन जन्म में मुक्ति होगी, उन लोगों की मुक्ति न होने तक क्या सद्गुरु को भी संसार में आना होगा? जन्म लेकर सद्गुरु क्या शिष्य के साथ रहते हैं? ठाकुर ने उत्तर दिया, सद्गुरु साथ ही रहते हैं, जन्म न लेकर भी कितने प्रकार से, कितने उपायों से शिष्य पर कृपा करते हैं। वृक्ष, लता, मनुष्य आदि के भीतर से, नाना विषयों के भीतर से सद्गुरु कृपा करते हैं, फिर वे लोग क्या सब समय आते हैं? चार कल्प के बाद नानक इस बार आए थे। मैंने बोला, तब तो बड़ी कठिनाई है, प्रत्यक्ष रूप से गुरु न मिले वह तो बड़ा कष्टदायक है। ठाकुर ने उत्तर दिया, कष्ट तो है ही, तो भी जो गुरु वाक्य के अनुसार चलते हैं उनको तो फिर कोई कष्ट नहीं है। अपने भाव के अनुसार मनमाना करने से ही भटकना पड़ता है। जब तक गुरु वाक्य के अनुसार नहीं चलते, उन पर निष्ठा उत्पन्न नहीं होती, तब तक बारंबार जन्म लेना होगा। सद्गुरु के साथ कोई माइक संबंध तो है नहीं, शिष्य के कल्याण के लिए ही वे संसार में आते हैं, शिष्य का उपकार करना ही उनके आने का उद्देश्य है। अतएव उनके आदेश के अनुसार न चलने से कैसे होगा? ठीक गुरु वाक्य के अनुसार चलना पड़ता है, ऐसा होने से फिर कोई उत्पात नहीं रहता। मैंने पूछा, गुरु कई बार शिष्य की विभिन्न प्रकार से परीक्षा भी लिया करते हैं, ऐसा होने से उनका यथार्थ आदेश कैसे समझा जाएगा? ठाकुर ने उत्तर दिया, जो सदगुरु है वे कभी भी शिष्य की परीक्षा नहीं लेते। वैसा क्यों करेंगे? जिससे शिष्य का यथार्थ कल्याण होता है सदगुरु वही कह देते हैं। फिर भी जो लोग उस वाक्य को अग्रग्राह करके अपने मन के अनुसार चलते हैं
गुरु उनको ही विभिन्न परिस्थितियों में गिराकर ठीक कर लेते हैं।